हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामास्वामी। आज अपने साथ है होंडा SP125 का डिस्क वाला वेरिएंट। तो आज की इस वीडियो को SP125 में मिलने वाले फीचर 2024 में इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें आपको टोटल कितने वेरियंट्स मिलते हैं, कितने कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस बाइक के कुछ सिनेमैटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते। सबसे पहले बात करते हैं SP125 में आपको मॉडल्स कितने अवेलेबल हैं। देखो, इसमें दो मॉडल अवेलेबल है। ये सामने आप देख रहे हो डिस्क वाला वेरियंट है, इसके अलावा कोई ड्रम वाला वेरियंट भी आता है। अगर वही बात करें इसके कलर ऑप्शन की, देखो इसमें टोटल 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो सामने आप देख रहे हो रेड मेटालिक कलर, इसके अलावा ब्लैक आता है, ग्रे मेटालिक आता है, पॉल साइलेंट ब्लू आता है, और मार्बल ब्लू मेटालिक आता है। तो 5 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि SP125 का कौन सा कलर आपको देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देखो। इसका फ्रंट का लुक बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे आपको LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, सेंटर में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको विंडो पूरा ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ साइड पैनल आपको ये बॉडी कलर रेड मेटालिक दिया गया है, जिसके ऊपर आपको ग्राफिक्स का भी यूज किया गया है रेड और ग्रे के कॉम्बिनेशन में। सेंटर में आपको नंबर प्लेट की जगह मिलता है। टर्न इंडिकेटर की बात करें, हैलोजन का टर्न इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पे आपको मिरर ब्लैकआउट मिल जाता है। अगर वही बात करें मडगार्ड की, देखो मडगार्ड की क्वालिटी अच्छी लग रही है, हार्ड फाइबर यूज हुआ है और स्ट्रेटन फिनिशिंग भी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे ग्लॉसी रेड कलर दिया गया है, रेड मेटालिक कलर दिया गया है। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि होंडा SP125 का फ्रंट का लुक आपको देख के कैसा लग रहा है। अभी बात करते हैं सस्पेंशन की। सबसे पहले देखो, यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। बाकी देखो, इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया गया है। अगर वही बात करें ब्रेकिंग की, जैसा कि मैं बताया आपको दो वेरियंट अवेलेबल है, एक डिस्क और एक ड्रम। ये वाला डिस्क वाला वेरियंट है, यहाँ आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। वैसे ड्रम वाले में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। बाकी आपको निशिन का कैलिपर पिस्टन मिलता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, मैक्सिस का आपको ट्यूबलेट टायर मिलता है, 80x118 in का आपको ट्यूबलेट टायर वगैरह मिलता है। अगर वही बात करें अलेवल की, ब्लैकआउट में आपको अलेवल मिल जाता है। अभी बात करते हैं राइट प्रोफाइल की। अगर बात करें राइट से, सबसे पहले इसका राइट का लुक देखो। ये SP125 का लुक बहुत अच्छा आता है। इसमें आपको होंडा में एक साइन 125 भी आता है, और SP125 थोड़ा स्पोर्टी लुक दे देता है। आपको मस्कुलर सा टैंक मिलता है, आपको टैंक यहाँ पे काउल भी लगाया हुआ मिलता है, और जैसा कि मैं बताया फिट एंड फिनिशिंग भी अच्छी लग रही है, अच्छा फिट एंड फिनिशिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको होंडा का एक ब्रांडिंग मिल जाता है, जो कि आपको 3D यहाँ पे लोगो बोल सकते हो। बाकी इस पर आपको देखो ग्राफिक्स दो बहुत बोल्ड ग्राफिक्स मिलता है, मतलब लाइक एस टाइप समथिंग कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स बनाया गया है, ग्रे वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको ग्राफिक्स वगैरह मिलते हैं। देखो, इसमें आपको अपडेट आया था 2023 में, इसमें जो अपडेट आया था नए ग्राफिक्स आपको दे दिए गए थे। बाकी SP125 यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलता है, यहाँ आपको स्ट्रिप में आपको यहाँ पे हल्के से ग्राफिक का यूज किया गया। अगर बात करें सीट का, देखो सीट का लंबाई बहुत अच्छा है और सीट का कंफर्टेबल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत गद्देदार सीट है और बहुत लंबा सीट है, तो आप दो आदमी तो बहुत आराम से बैठ सकते हो, साथ में कुछ सामान वगैरह भी कैरी कर सकते हो। यहाँ ग्रेवल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सा मिलता है, ये बॉडी कलर आपको ग्रेवल मिल जाता है रेड कलर में, तो अच्छा लुक हो जा रहा है। वैसे देखो, एक सीट का जो डिज़ाइन बनाया गया है, हल्का सा जो कर्व बनाया गया है ना, इसकी वजह से कंफर्टेबल भी अच्छा आता है और सीटिंग देखने में थोड़ा स्पोर्टी लुक हो जाता है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे फुटरेस्ट की, देखो फुटरेस्ट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, रबर का ग्रिपिंग वगैरह मिलता है। यहाँ पे आपको राइडर का जो दिया गया है, इसका रबर का ग्रिपिंग मिलता है। आपको यहाँ पे ब्रेक लीवर स्ट्रॉन्ग सा मिल जाता है। बाकी देखो, इसमें आपको किक मिलता है। जनरली होंडा लोग बोलते हैं ना, होंडा अपने बाइक स्कूटर से किक हटाया जा रहा है, पर देखो SP125 में होंडा अभी भी किक देता है। तो एक कैसा आपको लगा, मतलब कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी कैटालिटिक कन्वर्टर देख लो, इसका एग्जॉस्ट देखो, स्लिक सा एग्जॉस्ट मिलता है, पतला सा अच्छा लुक होता है। बाकी इसके ऊपर आपको एक क्रोम का मफलर गार्ड लगाया गया, मेटल का दिया गया, और क्रोम का जो है तो अट्रैक्टिव हो जा रहा है। बाकी अगर बात करें रियर पार्ट की, देखो रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है, 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। अगर वही बात करें टायर की, देखो यहाँ टायर पहले ना SP125 में सेम मिलता था, पर अभी कंपनी ने जो अपडेट दिया था नया, उसमें आपको टायर यहाँ पे वाइडर कर दिया था। मैक्सिस का ट्यूबलेट टायर है, 100x80 inch का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है। अगर बात करें इसके अलॉयल की, ब्लैकआउट में आपको अलॉयल मिलता है। अगर वहीं बात करें सस्पेंशन की, हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। बाकी ये रेड कलर में है, तो रेड के साथ रेड का जो कम्बिनेशन है ना, वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जा रहा है। बाकी ये सस्पेंशन एडजस्टेबल है, तो अपने कम्फर्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो।
अभी बात करते हैं इसके इंजन के। देखो इसमें आपको 123.94 सीसी का फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड ऐसा इंजन मिलता है। अगर वही बात करें इंजन डायमेंशन की, बोर्ड यहाँ 50 का मिल जाता है, स्ट्रोक 63.1 का मिल जाता है। अभी बात करते हैं पावर की। देखो एसपी में पावर अच्छा मिलता है, साथ में माइलेज दमदार मिलता है। अभी बात करते हैं पावर की। मैक्सिमम पावर 10.7 एसपी का मिल जाता है 7500 आरपीएम पे, और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 6000 आरपीएम पे। तो पावर और टॉर्क तो बहुत अच्छा मिलता है, साथ में माइलेज दमदार मिलता है। बार बार माइलेज बोल रहा हूँ दमदार मिलता है। माइलेज के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं रियर पार्ट की। सबसे पहले आप रियर का लुक देख लो। यहाँ पे आपको ये होंडा का जो आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में आपको इसका जो मिलता है टेल लाइट्स, वहीं इसमें दिया गया है। हैलोजन लाइट्स दिए गए, टर्न इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलते हैं, नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाता है, होंडा की बैंडिंग वगैरह मिलती है, सेंटर में आपको रिफ्लेक्टर लगाया गया है, नंबर प्लेट के लिए जगह दिया गया है। तो इसका रियर का पार्ट है। अभी बात करते हैं लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर बात करें लेफ्ट से, सबसे पहले आप लेफ्ट का लुक देखो, राइट की तरह लुक दिया गया। और जो मैं बोल रहा हूँ एसपी 125 का लुक बहुत स्पोर्टी आ जाता है, मस्कुलर से टैंक मिलता है, टैंक आपको कॉल मिलता है, होंडा का एक 3D लोगो लगाया गया है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, एसपी 125 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। रियर में भी आपको हल्के से ग्राफिक्स का यूज किया गया है। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड चार्जिंग कार्ड मिलता है, साथ में आपको लेडीज फुटरेस्ट भी मिल जाता है। ये कंपनी फिटेड है, देखो इसका भी बहुत फ़ायदा होता है यार। क्या होता है ना, आप लेडीज़ पिलियन बैठाओगे ना, फैमिली वगैरह बैठाओगे ना, तो सारी दुपट्टा फंसने से ये प्रोटेक्ट कर देता है, बहुत फ़ायदा कर देता है। एक और चीज़ देखो, यहाँ फुली कवर्ड चैन मिलता है, तो कवर्ड की वजह से तो मेंटेनेंस कम हो जाता है, आपको धूल डस्ट पार्टिकल नहीं जाते, तो बाबो वॉश करके आपको ल्यूब नहीं करना पड़ता है। हार्ड फाइबर यहाँ पर आपको मिलता है। अगर बात करें गियर बॉक्स की, देखो यहाँ को 4-स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, और यहाँ आपको 2 हील शिफ्टर मिल जाता है। अगर बात करें गियर बॉक्स की, देखो यहाँ को 5-स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, 2 हील शिफ्टर दोनों मिलता है। बाकी 2 हील शिफ्टर के बहुत कंफर्टेबल लगता है लोगों को। सेंटर स्टैंड तो मिलता है, साइड स्टैंड मिलता है, और साइड स्टैंड में आपको इंजन कटअप सेंसर भी है। ये भी एक सेफ्टी फीचर है, इससे कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट होने से बच जाता है। क्या होता है, अगर चलते में स्टैंड लग गया तो अगर इंजन कटअप सेंसर नहीं होगा तो आपका इंजन बंद नहीं होगा, पर इंजन कटअप सेंसर की वजह से अपने आप इंजन बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ सेफ्टी इन्हेंस ही हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात की इसके ओवरऑल लेंथ की, ओवरऑल लेंथ यहाँ 2020 mm का मिल जाता है, ओवरऑल विड्थ यहाँ 785 mm का मिल जाता है, ओवरऑल हाइट यहाँ 1103 mm का मिल जाता है, व्हील बेस यहाँ 1285 mm का दिया गया है। अगर वही बात करें सीट हाइट की, डिसेंट सा सीट हाइट मिलता है, 790 mm का सीट हाइट मिलता है, मतलब 5.5 भी हो तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से इसको चला सकते हो। अगर वही बात करें ग्राउंड क्लीयरेंस की, 160 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। अगर बात करें कर्व वेट की, देखो 116 kg का कर्व वेट है। और वही बात करें टैंक कैपेसिटी की, जो मैं बोल रहा था मस्कुलर सा टैंक मिलता है, 11.2 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है। और टैंक यहाँ से देखो, मैं सीधा करता हूँ, ये देखो कितना मस्कुलर टैंक लगता है। और ये जो पार्ट यहाँ होता है ना, आपका जो पैर का ग्रिपिंग आता है ना, इसके वजह से भी आपकी बैलेंसिंग जो मतलब कंट्रोलिंग रहती है ना बाइक पे, वो बहुत अच्छी हो जाती है। और चीज़ देख लो, यहाँ पर आपको E20 का जो स्टिकर लगाया गया है, BS6 फेज 2 रेडी बाइक यहाँ पे दिया जा रहा है, OBD2 सेंसर ऐड ऑन कर दिया गया, E20 रेडी बाइक है, मतलब E20 आप फ्यूल इसमें रखवा सकते हो। बाकी फ्यूल कैप यहाँ पे आपको ये सिल्वर कलर में दिया गया, और कलर कॉम्बिनेशन जो हो जा रहा है अच्छा लग रहा है, जैसे ब्लैक सिल्वर रेड के कॉम्बिनेशन में जो दिया गया। अभी बात करते हैं मीटर कंसोल की। सबसे पहले देखो साइन में आपको है एनालॉग मीटर मिलता है, पर SP 125 में यहाँ फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। यहाँ आपको फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पे आपको देखो स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलता है 125 cc में। मैंने बहुत देखा है गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है, SP 125 में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जा रहा है, क्लॉक मिल जा रहा है, आपको एवरेज इंडिकेटर मिलता है, यहाँ से टॉगल भी कर सकते हो, आपको रेंज दिखा देगा। टोटल मैंने बता दिया आपको ट्रिप ऑन, ट्रिप टू, ट्रिप थ्री, ट्रिप भी यहीं से आपको मिलता है, फंक्शन वगैरह के हिसाब से अच्छा दिया गया। अगर बात करें यहाँ पे स्विच गियर की, पास लाइट के इंटीग्रेटेड अपर बीम लोअर बीम मिल जाता है, यहाँ टर्न इंडिकेटर का स्विच मिलता है, एक हॉर्न का स्विच मिल रहा है, बाकी यहाँ आपको इग्निशन का बटन मिलता है, साथ में आपको इंजन कटअप सेंसर मतलब इंजन कटअप स्विच भी मिलता है, इंटीग्रेटेड स्विच है, मतलब इसी से स्टार्ट भी होगा। बाकी यहाँ पे आपको देखो ये मिरर वगैरह मिलता है। चलिए इसके एग्जॉस्ट होंगे बस सुन ही लेते हैं लगे हाथ। अभी आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका एग्जॉस्ट हॉर्न को सुन के कैसा लगा। अभी बात करते हैं माइलेज की। जो मैं बार बार बोल रहा था माइलेज दमदार मिलता है, अराउंड आपको 65 km का माइलेज मिल जाता है। देखो ये माइलेज आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा, पर लोगों को इसमें 65 km का माइलेज मिल जाता है। वैसे ये जो माइलेज है ना, बहुत से फैक्टर भी डिपेंड भी करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपका रोड का कंडीशन क्या है, ट्रैफिक कितना है,
लेकिन अराउंड आपको 60 से 65 लोगों को इसमें मिल जाता है। तो जिनके पास SP125 है ना, वो आप मुझे कमेंट सकते हैं, बता देना कि इसमें आपको माइलेज क्या मिलता है। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखो SP125 डिस्क वेरियंट का ऑन रोड प्राइस पुणे में 1,10,800 के अराउंड आता है। वैसे आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं आपके सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप होंडा का कोई बाइक या स्कूटर लेना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग विंग्स होंडा चिंचोड़ में आप विजिट कर सकते हो। शोरूम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विद मैप लोकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने हमें वीडियो का रेफरेंस दिया या मैं रेफरेंस दिया तो यहाँ आपको अच्छे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे इंस्टाग्राम में देखा आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।